السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो चार शेर आप बतौर खास मुलाहिदा फरमा लें। हुजूर को है मोहब्बत मेरे हुसैन के साथ, हुजूर को है मोहब्बत मेरे हुसैन के साथ, तो क्यों रहे ना ये उम्मत मेरे हुसैन के साथ, तो क्यों रहे ना ये उम्मत मेरे हुसैन के साथ। हुजूर सजदे में और पुश्त पर इमाम हुसैन, हुजूर सजदे में और पुश्त पर इमाम हुसैन, नबी है महवे इबादत मेरे हुसैन के साथ, नबी है महवे इबादत मेरे हुसैन के साथ। कटा के सर भी मिली सर बुलंदियां उनको, कटा के सर भी मिली सर बुलंदियां उनको, बुलंदियों को है निस्बत मेरे हुसैन के साथ, बुलंदियों को है निस्बत मेरे हुसैन के साथ। और ये शेर बतौर खास नजर करता हूं मैं। यजीद हाथ बढ़ाता रहा मगर न मिली जी, यजीद हाथ बढ़ाता रहा मगर न मिली, किसी भी हाल में बयात मेरे हुसैन के साथ। यजीद हाथ बढ़ाता रहा मगर न मिली, किसी भी हाल में बैत मेरे हुसैन के साथ। गमे हुसैन में रोता है आसमां अब तक, है बादलों को अकीदत मेरे हुसैन के साथ, है बादलों को अकीदत मेरे हुसैन के साथ। और शेर आखिर मक्ते की शक्ल में, हसन ये सच है कि करबो बला की धरती पर, हसन ये सच है कि करबो बला की धरती पर, सिमट के रह गई शरीयत मेरे हुसैन के साथ। हसन ये सच है कि करबो बला की धरती पर, सिमट के रह गई शरीयत मेरे हुसैन के साथ। नादरीन इकराम दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ये ना होती सदाकत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन ये मुझको है यकीन, हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन ये मुझको है यकीन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। अज़ीज़ आले मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आजम रदी अल्लाह तआला के बहुत बड़े फजाइल हैं आपके, बहुत बड़ी फजीलत है आपकी। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि एक मरतबा मैंने देखा कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अपने कपड़े से सैयदना इमाम हुसैन के जूते साफ कर रहे थे, नाले में मुबारक साफ कर रहे थे। ये सहाबा किराम ने आपकी इत्तबा की है, जो सहाबा इकराम क्योंकि इत्तिबा करें क्यों ना कि सारी कायनात के मरकज अकीदत ने, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हुसैन रदियल मौला तआला अन के लिए आपके लबे मुबारक को चूमा, आपके होठों को चूमा, आपके साथ खेले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम ने समझ लिया कि जो हमारे नबी की नजरों में अजमत वाला है वो हमारी नजरों में भी अजमत वाला है, जो नबी की नजरों में अजमत वाला वो हमारी नजरों में अजमत वाला है। तो मैं दो चार बातें आपसे ये 7 तारीख के हवाले से कह दूं, बहुत सारे अहबाब की फरमाइश रही है इसलिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज हम लोगों में 7 तारीख के ताल्लुक से बहुत बड़ी खुराफात है, बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर खुराफात है, हम मसाइल से वाकिफ नहीं। सबसे पहले हमारी कौम के अंदर एक कमी यह है कि हम अपने उलमा की बात को नहीं मानते। हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी मैं आज के दौर में ये समझता हूं कि आला हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान, न जाने कितने हमारे उलमा ने ताजियादारी को लेकर के और इन शियाओं के बारे में रद्द किया और तहरीर से तकरीर से बयान करते रहे, लेकिन हमारी कौम के समझ में इनके बयान नहीं आए।
इनकी तहरीरें नहीं आई, लेकिन आया ना आए हमारा काम है कौम तक पैगाम पहुंचाना, हम कौम तक पैगाम पहुंचा दें। तो मुझसे कई लोगों ने ये फरमाइश की और मेरे कई साथियों ने फोन पर भी मुझसे रब्ता किया, तो मैं इस चीज को लेकर के हाजिर आया हूं। जो 7 तारीख की हम लोगों के अंदर जो खुराफाते हैं, जो हम शियाओं की रस्म जो है वो निभाते हैं, सुने बड़ी संजीदगी से। मैं आज इसी तरीके से आपसे बात करूंगा, शायद के मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस बात को बड़ी संजीदगी से सुनना, अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरी इसलाह करें। मैं आपसे ये आजिजी के साथ ये अर्ज करता हूं अजीजो, 7 तारीख में अहले सुन्नत वल जमात जहां भी आप जाकर के देखें तो एक गिजे का एहतमाम करते हैं जिसको मलीदा कहा जाता है, और उस तारीख को हजरत सैयदना इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मेहदी कहते हैं। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं, आप सोचे मेरे बयान को सुने और फिर सोच करके ये बात बताएं मुझे मेरे अजीजों, जिसके नाना की शरीयत हो, जिसके बाप ने, जिसके चचा ने, जिसके दादा ने शरीयत बचाने के लिए पेट से पत्थर बांधे हों, मैदानों में कुफारों के साथ मुकाबला किया हो, और आखिरी वक्त में जो करबला में जो तलवारें चली हैं, जो जंग हुई है, वो भी शरीयत की तहफ्फुज के लिए हुई है, शरीयत की बका के लिए हुई है। समझे आप, ना तो कोई जरूरत नहीं थी, ना तो कभी खेत की लड़ाई थी, ना मेंढ की लड़ाई थी, ना बंटवारे की लड़ाई थी, लड़ाई थी तो सिर्फ और सिर्फ शरीयत की लड़ाई थी। ये आप बातें मेरी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं चीख कर नहीं कह रहा हूं, ये मैं बड़ी संजीदगी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लड़ाई सिर्फ शरीयत मुताहरा के हुक्म की थी, जो शरीयत मुताहरा के हुक्म है। यजीद ये चाहता नहीं था कि शरीयत का हुक्म हो, वो अपना फायदा, वो अपनी तबीयत चला रहा था। मेरे हुसैन ने कहा तेरी तबीयत नहीं चल सकती, क्योंकि इस शरीयत में ताइफ के मैदान में मेरे नाना का खून बहा है, इस शरीयत में मेरे बाप ने भूखे प्यासे रह करके पत्थर खाए हैं, मेरे बाप ने जो है तीरों तलवार से मुकाबला किया है। मेरे हुसैन ने फरमाया कि मेरे नाना के जो वफादार हैं, जो मेरे नाना के दोस्त हैं, जो सहाबा इकराम हैं, जो मेरे नाना पर ईमान लेकर के आए थे, उन लोगों ने इस शरीयत को भूखा प्यासा रह करके एक एक खजूर का टुकड़ा खा करके इस इस्लाम को बचाया, इसको सींचा। इसमें तबीयत किसी की नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो शरीयत चलेगी साहब, ये शरीयत का ही हुक्म है मेरे अजीजों। तो शरीयत के बका के लिए आज हम लोगों ने, हम अहले सुन्नत वल जमात, हमें शरीयत बची बचाई मिली है, हमें शरीयत के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करना नहीं पड़ी है, हमें शरीयत के लिए अपने पेट से पत्थर बांधना नहीं पड़े हैं, हमें शरीयत की बका के लिए भूखा रहना नहीं पड़ा है, हमें शरीयत की बका के लिए मैदान में आना नहीं पड़ा है। हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगी, अपना लहू इस शरीयत को पिला करके हमारी खुशनूदी के लिए अपनी जान इस शरीयत के लिए कुर्बान कर दी, अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, और ये जमाने को पैगाम दे दिया कि पैगंबर इस्लाम की उम्मत सुकून से शरीयत पर अमल कर ले। ये मेरा कल्बी अजहान है, ये मैं कल्ब के साथ ये बात कहता हूं मेरे अजीजों। तो हम लोगों के अंदर 7 तारीख की जो सबसे बड़ी कमी है, एक रस्म मेहदी की, एक शायरा, एक नातखा गुजरी है, एक मरसिया खानी गुजरी है, मैं शायरा कहता हूं, मैं उसको नहीं मानता, वो शिया ताल्लुक से रखने वाली औरत है जिसका नाम उम्मे हबीबा कैसेटों में आता है, उसने कैसेटें बयान की। आज आप देखें सुन्नियों में वो कैसेटें बड़े दबा करके बसती हैं, जब मेहदी का वक्त आता है तो उसमें वो कहती है, रन में कहती थी शह बारी बारी, आज मेहदी है कासिम तुम्हारी, उधर रन की चढ़ी हुई है, भूख के प्यास से निढाल है, भूख और प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, उधर ये बताइए कि मर्द के लिए मेहदी बिल्कुल नाजायजो हराम है। ये शरीयत मुताहरा का हुक्म है, ये उलमाए किराम का, फुकहाए किराम का ये हुक्म है कि मर्द के लिए मेहदी जो है वो हराम है, वो नाजायज है, उसको इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। तो बताओ कि पैगंबर इस्लाम का नवासा जिस शरीयत के लिए अपनी जान कुर्बान करता हो, क्या वो शरीयत में दखल दे सकता है, क्या वो मेहंदी लगा करके बैठ सकता है? ये आप अपने दिल में सोचेंगे मेरा बयान सुनने के बाद, ये आप सोचेंगे कि वो कभी मेहंदी लगा करके नहीं बैठ सकते मेरे अजीजों। हजरत कासिम ने, जो कि मिस्र मुल्क शाम और ईरान का जो सबसे बड़ा पहलवान था, अरसक पहलवान, हजरत इमाम कासिम ने उसके 4 शहजादों को वासिले जहन्नम किया, इतना बड़ा पहलवान था कि उसके मद्दे मुकाबले 1000 लोग लड़ते थे, उन पर गालिब आता था, लेकिन अली का शहजादा तने तनहा मैदान करबला में भूखा प्यासा उससे लड़ रहा है, और उसके बावजूद भी उसको वासिले जहन्नम कर रहा है। ये अगर नबी का मौजजा नहीं है, ये अल्लाह की आता नहीं है, तो मेरे अजीज ये बताओ फिर और ये क्या हो सकता है?
ये हुसैन आलम की करामत नहीं है तो क्या हो सकता है, ये हजरत अली की तरबियत नहीं है तो और क्या हो सकता है, ये हजरत अली की ही तरबियत है मेरे अजीजो, ये बहादुरी और शुजाअत, ये दिलेराना, ये हजरत अली रजी अल्लाह मौला ताला अन्हु के खून में शामिल थी और उन्हीं के शहजादों को, ये उन्हीं के शहजादों को मेरे अजीजो ये चीज हासिल हुई है कि वो हजारों के मैदान में, हजारों के मद्दे मकाबिल अकेले अली का एक शहजादा लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। समझा? तो मैं बात लंबी ना करके हजरत इमाम कासिम की मेहंदी के ताल्लुक से, क्योंकि वो तारीखन करीब है, इसलिए ये पैगाम मैं सोचता हूं पहुंच जाए लोगों तक, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो हम लोगों में ये सबसे बड़ा मलीदा बनाओ, इसमें हमारे उलमा मना नहीं करते, आप जिक्र करो, उलमा मना नहीं फरमाते, अच्छे से अच्छी आप गजाएं तैयार करो। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा है, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला फरमाते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरा के रोज यानी 10 मुहर्रम को अच्छे से अच्छा अपना दस्तरखान तैयार करो, अल्लाह ताला पूरे एक साल तक तुम्हारे दस्तरखान में बरकतें अता फरमाएगा। अब मलीदा अच्छी गजा लोग खाते कोई बात नहीं है, बनाइएगा आप, लेकिन उसमें जो हमारी खुराफात है, जो हम शियाओं के ताल्लुक से इस पर हम कहीं कहीं अमल पैरा होती है हमारी कौम, उसको आप सुने। वो मतलब मेहंदी की खवातीन जो हैं पत्तियां भी रखती हैं उस मलीदे में, उसमें चराग रोशन करती हैं, फिर उसमें 3-4 वो कैमे बनाते हैं, कैमे को उसका वो बना लिया और उसके बावजूद प्लेट से या जिस चीज पर भी आप मलीदा रख रहे हैं उसको उस पर रख देते हैं, समझ, उससे ढांप देते हैं और ये कहते हैं कि ये इमाम कासिम की मेहंदी है। मेरे अजीजों, ये इमाम कासिम की मेहंदी नहीं है, ये शियत है, ये रवाफजियत है, ये तरीका अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। अहले सुन्नत का तो तरीका यह है कि जो इमाम कासिम रजी अल्लाह तआला के चचा ने और जो इमाम कासिम ने करबला से भूखे प्यासे रह करके जो पैगाम दिया है, हमें उस पर अमल पैरा होना चाहिए, हमें उनके नाम पर लंगर तकसीम करनी चाहिए, हमें अल्लाह फौकियत दे तो हम उनके नाम पर गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को और अपने अजीज व अकारिब को, अपनी बस्तियों में लोगों को बाकायदा इज्जत के साथ के खाने का असराफ भी ना हो, खाना जमीन पर भी ना गिरे, हम खूब लोगों को खिलाएं और उसका सवाब जो है इमाम हुसैन और उस नफूस कुदसिया की रूह को ईसाल करें इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह इससे हमें, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा और अल्लाह हमारे कारोबार में, हमारे खाने में, हमारे कारोबार में, हमारे हर उसमें बरकतें अता फरमाएगा। अगर हम शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके, तो वो 3 टांगों की जो है वो लकड़ी बना ली, उस पर रंग बिरंगे कागज लगाए और उसको मेहंदी की निस्बत दे दी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आप मेहंदी की रस्म अदा ना करें। और फिर 7 तारीख को मेहंदी है कहां मेरे अजीजों, ये तो बताओ, इमाम कासिम दूल्हा बने कहां है, वहां तो दीन बचाने की बात चल रही थी, उनके दूल्हा बनने की, नौशा बनने की बात चल रही थी। अहले सुन्नत वल जमात इसको सोचे। फिर सबसे बड़ी कमी ये है कि हजरत इमाम हुसैन, एक बात के मैं और खुलासा कर दूं, खुलफाए राशिदीन से ये शिया लोग सबका नाम लेते, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने 4 भाइयों के साथ मैदान में गए। आप हजरत अब्बास का जिक्र सुनते हैं, उनके बाजू कटे नहरे फरात पर, ये इंशाल्लाह मैं कभी फिर जब आऊंगा तब मैं हजरत अब्बास का जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन ये बात मैं आप कह दूं कि 3 भाई आपके और थे, एक का नाम था अबू बकर बिन अली, एक का नाम था उमर बिन अली, एक का नाम था उस्मान बिन अली, लेकिन इनका नाम करबला की तारीख में नहीं है, हम लोगों की किताबों में, हम लोगों के बुजुर्गों ने, हम लोगों के मुज्तहिदीन ने, हम लोगों के उलमा ने किताबों में लिखी है ये बातें, लेकिन अहले शिया कभी उनका जिक्र नहीं करते, कभी हमने कौम के मुंह से भी नहीं सुना कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके 4 शहजादे गए थे। हजरत अब्बास का तो जिक्र सुना है, उनका नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि उनका नाम पैगम्बर इस्लाम के उन 4 यारों के साथ नाम रखे हुए हैं, और ये कौम नहीं चाहती, ये फिरका नहीं चाहता है कि हम अबू बकर का नाम ले, हम हजरत उमर फारूक आजम का नाम ले, हम हजरत उस्मान का नाम ले, क्योंकि नाम की निस्बत से जब इनको चिड़ है तो ये बताओ किसकी जन्नत में जाएंगे, जन्नत तो पैगंबर इस्लाम की है, जन्नत तो पैगंबर इस्लाम के लाडले की है मेरे अजीजों। तो इसलिए आप खास तरीके से बड़ी संजीदगी से सोचे और समझे और बात को पहचानने की कोशिश करें कि हम अहले तशिया के तरीके से हम ये 7 तारीख ना मनाए। आप रोज मलीदा बनाइए, 7 तारीख की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर हजरत इमाम कासिम की रूह के लिए उस दिन निस्बत कर लिए, चलो कोई बात नहीं है, हम आपको कहते हैं कि आप शोहदाए करबला को याद करते
करते हैं, लेकिन उन तीन नामों को भी तो याद किया करो, उन तीन नामों का भी तो जिक्र किया करो, उनकी भी तो कुर्बानियां हैं, उन्होंने भी तो अल्लाह की राह में अपनी गर्दनें पेश की हैं, उन्होंने भी तो अपने जिस्म पर जख्म खाए हैं, उन्होंने भी तो अपना खून बहाया है मेरे अजीजों। तो ये सब हमें समझना है, ये सब हमें करना है, और ये सब बातें उसके लिए हजरत बेकर उत्साही ने कहा था कि कलमा तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ये ना होती, सदाकत है हुसैन, हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन ये मुझको है यकीन, हाल हमारा कुछ भी हो अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम अहले सुन्नत वल जमात के तौर तरीके पर जो हमारा फिरका है, जो हमारा मसलक है, जो हमारा रास्ता है, जो हमारा तरीका है, अगर हम इस तरीके से मिल्लत इस्लामिया हम करबला वालों का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत हम अपने दिल में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह इस शेर पर हमारा अमल होगा, हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन ये मुझको है यकीन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। तो ये टेढ़ी मेरी तीन चार ये लकड़ियां बना करके, इनकी कह में बना करके आप सदुपड़ी जबान में यूं समझ लें सीधी सीधी, कि इस तरीके से जो है ना उसमें कभी चराग रोशन करें उस प्लेट में, ना मेहंदी की पत्तियों की जरूरत है और ना उसकी जरूरत है, ये नाजायज तरीका, ये रवाफिस का तरीका है, समझे आप। अहले सुन्नत वल जमात है, आप खाली इसी तरीके से दस्तरखान लगाइए और फातिहा पढ़िए, उनकी रूह को इशारे सवाब कीजिएगा, इस तरीके की मेहंदी नहीं है। और फिर मेहंदी, यार मैं फिर से वही बात कहता हूं कि मेहंदी की जरूरत क्या पड़िए, मेहंदी तो शरीयत में उनके नाना की नाजायज है, और आप मेहंदी गाय फिर रहे हो, आप मेहंदी गाय फिर रहे हो, क्या है मेहंदी साहब, इसलिए इस मेहंदी से आप परहेज करें, इस मेहंदी का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे चंद जुमले थे, मैं मेहंदी के ताल्लुक से इमाम कासिम की वो शहादत है कि जिन्होंने इतने बड़े पहलवान को कुर्बान किया, और आपने अपने चचा सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला से फरमाया था, चचा जान अगर मुझको चंद कतरे पानी के मिल जाए तो इस 22,000 पर हसन का बेटा काफी है, अली का पोता काफी है, आपका भतीजा काफी है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला इन जुमलों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले, मौला ईमान पर खात्मा फरमाए, हमें जिक्र शहदाए करबला करने की मौला तौफीक अता फरमाए, और उनकी जो तरीका है उनका, उनकी जो वाबस्तगी है, उनकी जो सीरत है, मौला उस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। मौला सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम कासिम रदील मौला ताला उनके वसीले से हम सबकी आफतों को दूर फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।